गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे अरम्या के जो पापा हैं वो सो रहे हैं और मैं यहाँ पे बर्तन लेके बैठी हुई हूँ। मेरे को किसी ने बोला कि दीदी रात को जूठे बर्तन नहीं रखते हैं, तो रात जब होती है ना, जैसे 10-11 बज जाते हैं खाना खा के बर्तन धोने में, तो यहाँ पर ना सांप बिच्छू के आने का डर लगा रहता है। और लगा क्या रहता है, मतलब आते ही आते हैं ना छोड़ के। इसलिए मैं बर्तन जो हूँ वो सुबह सुबह मैं धोती हूँ। और इतना सारा बर्तन देख के घबराइएगा मत। हम लोग जो हैं वो एकदम पूरा दिन कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मिट्टी आती ही रहती है क्योंकि मिट्टी वाला घर है। कहीं से आएंगे तो हाथ पैर धोएंगे तो यहाँ पे मिट्टी आती ही रहती है। तो इसलिए यहाँ 3-4 बार आपको सफाई करनी पड़ती है। और फिर पौधों को पानी देना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, ये सारा चीज़ सुबह सुबह में लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चना है। चना को मैंने वो रात में भिगोया था, मतलब शाम को भिगोया था, तो इसको मैं छान दूंगी ताकि इसका दाल बनेगा। और ये ना जो मेरी बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आप ना दाल दलवा लेना, खुद चक्की में कर रही हो तो बहुत टाइम लगता है। और ये बात सच है। तभी मैंने 15 किलो तक जो है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं पूरा जो चना है उसको मैं कर दूंगी। और अरहर का जो भी दाल है ना और चना का दाल है, दोनों एक साथ में दलने को जाएगा और वहाँ पे ये हो जाएगा। क्योंकि इनको भी लगा कि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। पूरा दिन निकल जाता है मेरा, सुबह से सुबह जगने के बाद पूरा दिन निकल जाता है। यूट्यूब और इंस्टा का काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ। इसलिए मैं ये सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तब तक अरम्या के पापा आ गए और फिर मैंने उनको बोला कि आइए आप मेरी हेल्प करवाइए। तो ये देखिए दोनों लोग, हम लोग जो है वो मिलके जितना भी सारा चना है ना, बहुत सारा, अभी इसका पानी निकलेगा, बाद में ये जाएगा छत पे सूखने के लिए। और 4 दिनों तक अच्छे से सुखाइए तब जाके ये दाल दलने को जाता है। बहुत सारा था, मैंने रात को, मतलब शाम होते होते मैंने ये सारा चीज़ भिगो के रख दिया था। तो आजकल काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। उसके बाद बारी आती है किचन, मैंने पूरा क्लीन किया, बर्तन मैंने वॉश किए, सारी चीज़ें मैंने कर ली वहाँ पे। तो अब अरम्या के पापा और मेरी चाय की बारी आती है, सुबह की जो मॉर्निंग टी होती है उसकी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ रोज़, या तो मैं एप्पल साइडर जो विनेगर होता है ना वो मैं लेती हूँ, नींबू ले लेती हूँ। वैसे नींबू मुझे सूट बहुत अच्छे से नहीं करता है तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो आ जाइए, आप सब भी सुबह सुबह की चाय पीते हैं। और बस वीडियो में अगर कोई कमी है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। आज ना अदरक ख़त्म हो गई तो मेरा मन ऐसे उदास जैसा हो गया, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है ना वो अदरक की ही चाय होनी चाहिए, लेकिन आज अदरक ख़त्म थी तो इसलिए मैंने आज इलायची वाली चाय बना ली। लेकिन जो चीज़ अदरक में होता है ना, जो टी लवर होंगे उनको पता होगा, वो चीज़ें मतलब मिस हो जाती है। और सुबह सुबह की चाय में तो फिर पूरा दिन, मतलब कितना भी पी लो वो चीज़ नहीं होता है। तो लो जी, हमारी बन गई है चाय। ओ हो हो, अरे इनको ही दे देती हूँ। अच्छा, इनको स्टील में और मैं इस वाले कप में क्यों पीती हूँ, क्योंकि इन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हैं ये, जैसे ऐसे कप हो ना, जिससे जो थोड़े से ऐसे मोटे होते हैं या ऐसे करके, इसलिए नहीं जी। गुड मॉर्निंग चाय। गुड मॉर्निंग आप सभी को भी, कैसे हो आप सब। और ये देखिए सुबह होते होते ये क्या हो गया, मतलब क्या ही कहें, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे अपने काम निपटा लिए, मैं सीधे जाऊंगी नहाने, लेकिन उससे पहले मैं चाय पीती हूँ। ऐसे ही है, अगर मेरे को भी चश्मा पहना दिया जाए तो मेरे भी मुंह ऐसा ही है कप के जैसा। तो ये इस वाले कप में पीते ही नहीं हैं और वो स्टील वाले कप में ही पीते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ देखेंगे उसके जो स्टील वाले कप हैं उसके 3 सेट हैं, मतलब 6 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
इन्हीं की वजह से, मतलब मैं जब भी जाती हूँ तो मैं स्टील वाला ही लेके आती हूँ। और अब हम सीधे नहाने जाएंगे, इतना पेन कर रहा है ये, पता नहीं क्या, मुझे अभी यहाँ हुआ था अभी यहाँ हो गया। और ये पिंपल नहीं है, ये या तो मुझे दिखाना पड़ेगा, ये पता नहीं क्यों। ये बोलते हैं ना कि सोई को पाप कोई ला परियो को फुंसी निकले ला, आपका तो कई गो निकल बा। और अभी बोलने के मूड में नहीं है तो मुझे ऐसे ही चिढ़ाते हैं कि सही को पाप करबू तो एगो निकलेला। जब ये वाला मेरा निकला था ना तो मुझे रोज़ चिढ़ाते थे, तब उनको ये चोट लगी थी उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे बोला करते थे कि तू तार निन्यानबे को पाप रहा तब तो कुछ ना भैया सही सऊआ भैया तो तार ही निकल ला। और जब ये वाला मैंने कल इनको दिखाया तो बोल रहे हैं कि कितना जल्दी जल्दी तू पाप कर दड़ू, तो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं बहुत चिढ़ाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, पानी गर्मियों का सीज़न है, पानी कम पी रही हूँ या फिर जो भी रीज़न हो, इसलिए ये सब चीज़ें होती है, पाप उप से नहीं होती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन चिढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पे मैं मिल्क वाला पेड़ा बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बारी शेयर की हुई है आप सबके साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ध्यान दें कि देसी घी डालें, रिफाइन वगैरह का यूज़ ना करें, वरना वो टेस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप, मतलब कप से नापने के बाद यहाँ पे 1 कप से 1.5 कप ये दूध है। तो ये पेड़ा आप ज़रूर घर में बना के आराम से, जो ये पाउडर वाले दूध आते हैं ना 5-5 रुपए वाले, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लगेंगे, मतलब 10-12 आपके लग जाएंगे। तो आप इकट्ठे 1 पाव या 1/2 किलो का पाउडर वाला दूध ले आइए और इसको अच्छे तरीके से फेंटिए, इसमें एक भी गुठलिया नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे ना ये पकने लगेगा वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा और एक मावे के रूप में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको आपको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चीनी, लेकिन गरम, जिसे ये जो मावा हमने ये मिल्क पाउडर का बना है उसमें गरम गरम में चीनी ना डाले, वरना चीनी मेल्ट होगी और ये देखिए लगा कि कढ़ाई गिर जाएगी और वो पूरा गीला हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देंगे जब पूरा अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए तब जाके हम इसमें चीनी वाला जो पाउडर है ना मैंने पीस के रखा है, ये देखिए पूरा बंधने लगता है। जब आप इसको चेक करने का यही होता है कि जैसे आप चेक करेंगे ना तो पूरे अच्छे तरीके से बंधने लगेगा। तो मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इसको जमा सकते हैं ट्रे में, और अगर आप पेड़े बनाना चाहते हैं तो अपने मनपसंद लड्डू बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ड्राई फ्रूट वगैरह से आप इसको जो है वो सजा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पेड़े जो बन के हैं वो तैयार हो गए हैं। तो आइए आप सब भी पेड़े खा लीजिए और मुँह मीठा कीजिए आप सब भी। अभी मैं नहा के आई हूँ और मुझे जाना है गाजीपुर, क्योंकि मुझे कुछ काम है और मुझे जाना है, जैसा भी अपडेट होगा वैसा मैं बताऊँगी आप सबको। हॉस्पिटल जाना है मुझे, और बहुत सारे लोगों के एक चीज़ के कमेंट आए थे और मुझे पर्सनली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपकी जो अरम्या है वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है, फिर भी आपने उसको CHS की तैयारी क्यों करवा रहे हो, क्या आपने एग्ज़ाम CHS का दिलवाया, क्या उसका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुआ है, इस तरीके से। तो मैं बता दूँ कि जो CHS है, अगर उसमें किसी भी बच्चे का एडमिशन होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा स्कूल है। साथ में अगर आपने उसमें 12वीं तक पढ़ाई कर ली तो डायरेक्ट आपको BHU का कैंपस मिलता है। हर माँ बाप का सपना होता है उस, मतलब हमारे क्षेत्र में, कि BHU यूनिवर्सिटी उसका बच्चा ज़रूर जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं शुरू से ही एक अच्छा बेस दूँ। रही बात कंपटीशन की और इतनी छोटी एग्ज़ाम दिलवाने की, तो ये फैसला मैंने इसलिए लिया, हम दोनों ने बात किया। आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं कि बच्चों में अभी से कंपटीशन, क्योंकि जो आजकल का ज़माना है बहुत वैसा है, अगर अभी से वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेगी, कंपटीशन में नहीं बैठेगी, तो सिर्फ वो होता है ना कि तालाब में जितने में मेंढक रहता है कुएं में उसी को महान समझता है, तो वो अपने इसी स्कूल को लगता है उसको कि बहुत अच्छा है, यही बेस्ट है, इतना ही मुझे पढ़ना है कि मुझे इस में फर्स्ट आना है। बट मैं चाहती हूँ कि वो ये सोचे अभी से उसके अंदर ये चीज़ें, जब मैंने उसको तैयारी करवाई, अभी एग्ज़ाम नहीं दिलवाया है लेकिन तैयारी मेरी शुरू है, जो ट्यूशन के टीचर आते हैं उनको मैंने सारे CHS के जो सेट्स वगैरह हैं सारे मैंने खरीद के उनको दिए कि आप इसको इस चीज़ की प्रिपरेशन भी कराते रहिए, और हम हर हफ्ते टेस्ट लेते रहिए कितना है क्या है। और बाकी मैं TV में उसको ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ, तो इससे बहुत सारे माँ बाप को हेल्प मिलेगी जो मैं जिस चीज़ें कह रही हूँ। ये मत सोच का भाई आओ तो नहीं।
ये मत सोचिए कि आपका बच्चा जो है वो मतलब बहुत बेस्ट स्कूल में पढ़ता है। बेस्ट से ज़्यादा आजकल इतना कंपटीशन आई है, तो शुरू से उसके अंदर जब आ गई नहीं। और मुझे जाना है गाजीपुर, तो मैं थोड़ी देर में आपसे बाद में बात करूँ।